आदाब नाजरीन, डीडी उर्दू के खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में मैं आदित्य कुमार और मैं रतिका मेहरा आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद जिंदगी का राज, ताकि आप बदल सके अपने जीने का अंदाज। जी, ना कुछ पा लेने की चाह है, ना कुछ खो जाने का डर है। ये बचपन जो है ना, बहुत ही खूबसूरत सफर है। बचपन जो बच्चे जो होते हैं, वो हमारा आने वाला कल होते हैं, तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखें। हर एक बच्चे को अवेयरनेस, प्रिवेंशन, सपोर्ट और लव केयर की ज़रूरत पड़ती है। और जो बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं ना, वो तो शायद अपनी बात बहुत अच्छे से समझा भी नहीं पाते, तो इसलिए कभी कभार छोटी सी जो तकलीफ होती है ना, वो एक बड़ी बीमारी भी बन सकती है। और आज जिस मर्ज पर हम बातचीत करेंगे, वो है चाइल्डहुड कैंसर। और इसीलिए हर साल 15 फरवरी को इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर जो है वो मनाया जाता है, और इस साल इसका थीम है बेटर सर्वाइवल। तो नाजरीन, अगर आज आप हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं या आपके भी कोई सवालात हैं, तो स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल वक्त है एक रिपोर्ट का। नाजरीन, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कई एतबार से खतरनाक और तकलीफ देह है। ये बीमारी बच्चों और बड़ों किसी को भी लाहिक हो सकती है। कैंसर दुनिया भर में अमवात का सबसे बड़ा सबब है। इसके जहां कई पहलू निहायत खतरनाक हैं, वहीं एक अहम पहलू ये भी है कि अगर वक्त पर मालूम हो जाए तो इससे बचा जा सकता है। नाजरीन, ये तो आप जानते ही हैं कि हमारा जिस्म मुख्तलिफ सेल्स से मिलकर बना है। इन सेल्स का इंसानी जिस्म में वही रोल होता है जो किसी इमारत में ईंटों का होता है। इन सेल्स को कंट्रोल करने के लिए कुदरत ने एक जामे निजाम बनाया है। जब इस निजाम में मामूल के खिलाफ कोई तब्दीली रुनुमा होने लगती है, तो ये निजाम दरहम बरहम हो जाता है और सेल्स गैर मामूली तौर पर बढ़ने लगते हैं, जबकि इन्हें रुकना चाहिए। ये सेल्स बढ़ते बढ़ते ट्यूमर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और इस बीमारी को कैंसर के नाम से जाना जाता है। बच्चों में कैंसर की शरह अगरचे बड़ों के मुकाबले कम है, लेकिन हर गुजरते साल के साथ कम उम्र मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। हर बरस 4 लाख से ज्यादा बच्चे और 20 साल से कम उम्र अफराद कैंसर से मुतासिर होते हैं। कैंसर काबिले इलाज है, बशर्ते कि इसका पता जल्द चल जाए और मुकम्मल इलाज करवाया जाए। इलाज का इन्हिसार इस बात पर भी होता है कि आप दुनिया के किस हिस्से में हैं और वहाँ तिब्बी सहूलियात कितनी जदीद हैं। तरक्की याफ्ता मुल्कों में बच्चों में कैंसर के कामयाब इलाज की शरह 80% है, जबकि तरक्की पजीर मुल्कों में ये शरह 30% है। इसकी वजह मुनासिब इलाज का न मिलना या तशखीस या इलाज में देर करना है। कैंसर की अलामात के बारे में जानने के लिए इस बात की बहुत ज्यादा अहमियत है कि वो जिस्म के किस हिस्से में है। अक्सर स्क्रीनिंग से बच्चों में कैंसर के बारे में मालूम नहीं हो पाता, इसीलिए बच्चों में कुछ अलामात को पहचानना बहुत जरूरी है, जैसे ज्यादा दिन तक बुखार, सर में शदीद और लगातार दर्द, हड्डियों में दर्द, वजन में कमी, जिस्म के किसी भी हिस्से में गांठ वगैरह। बच्चों में आम तौर पर खून का कैंसर, दिमाग का कैंसर, बोन मैरो कैंसर, हड्डियों का कैंसर ज्यादा पाया जाता है। बच्चों को किसी भी मर्ज और कैंसर जैसी मोहलिक बीमारी से बचाने के लिए उनमें छोटी उम्र से ही अच्छी आदत पैदा करनी चाहिए। उन्हें पान, गुटखा, तंबाकू और सिगरेट बीड़ी के नुकसानात के बारे में शुरू से ही बताना चाहिए। साथ ही अच्छी ग़िज़ा, खेलकूद और वर्जिश के बारे में भी मालूमात फराहम करनी चाहिए। नाजरीन, आज कैंसर के बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी इससे मुतालिक बेदारी की जरूरत महसूस की जाती रही है। इसीलिए हर साल 15 फरवरी को दुनिया भर में बच्चों में कैंसर का आलमी दिन मनाया जाता है। इसका मकसद बच्चों में पाए जाने वाले कैंसर की अकसाम, उनकी अलामात और कैंसर हो जाने की सूरत में उसके इलाज के बारे में लोगों में ज्यादा से ज्यादा आगही फैलाना है। वाज़े रहे कि किसी भी बीमारी के बारे में मुकम्मल मालूमात से ही हम महफूज और सेहतमंद रह सकते हैं।
नाजरीन, अभी आपने देखी बच्चों पे होने वाले कैंसर्स पे हमारी ये खास रिपोर्ट। तो आइए हमारे माहिरीन डॉक्टर से समझते हैं कि किस तरह के जो कैंसर्स हैं वो बच्चों में पाए जाते हैं और क्या क्या उसकी वजह होती है और कितना मुमकिन है इसका इलाज। लेकिन उससे पहले हमारे माहिरीन से आपका तारुफ करवा देते हैं। बिल्कुल, आइए अपने माहिरीन से आपका तारुफ करवाते हैं। हमारे पहले एक्सपर्ट हैं डॉक्टर समीर बख्शी। आप ऑरेंज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज IRCH में प्रोफेसर के पद पर हैं। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है डॉक्टर साहब। हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर पी शरद चंद्रा। आप प्रोफेसर हैं न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट एम्स में। आपका भी वेलकम है डॉक्टर साहब। हमारे तीसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर SP भटनागर। आप RML और DDU हॉस्पिटल में यूनानी कंसल्टेंट हैं। आपका भी खैर मकदम है डॉक्टर साहब। मैं पहला सवाल डॉक्टर बख्शी आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि अगर हम देखें छोटे छोटे बच्चे, उनमें कैंसर की हालात देख के हर इंसान का मन सिहर जाता है और हर इंसान के दिमाग में एक सवाल आता है, बस एक ही सवाल आता है, क्या वजह है इतने छोटे बच्चों में कैंसर होने की? तो इसका जो आंसर है वो ये है कि जब बच्चों में कैंसर होता है 95% केसेस में उनका कोई कारण नहीं होता। ये आप समझ लीजिए ऐसे ही हो गया। अच्छा, बड़ों की अपेक्षा, बड़ों में जब कैंसर होता है उसमें 30% या 40% लोगों में कोई कारण मिलता है जी, कि स्मोकिंग ज़्यादा करी, अल्कोहल या शराब ज़्यादा पी या खाने के पदार्थ ऐसे लिए जिससे कैंसर हो गया। बच्चों में 95% केसेस में कोई कारण नहीं मिलता जी। डॉक्टर साहब, अभी क्या साइंस उस तरफ मतलब रिसर्च चल रही है कि कोई वजहों का पता लगे जिससे उनको दूर किया जा सके? तो मैं ये बोलूँगा कि चाइल्डहुड कैंसर प्रिवेंटेबल नहीं है, प्रिवेंटेबल नहीं है ज़्यादातर केसेस में, लेकिन ट्रीटेबल है, ट्रीटेबल है। और ट्रीटेबल कैसा है वो आगे आपसे भी आ करेंगे जी। डॉक्टर सरत, आपसे समझना चाहेंगे, आप एक न्यूरोसर्जन हैं तो ज़्यादातर आप ब्रेन और स्पाइन के केसेस हैंडल करते हैं, तो अगर हम ओवरऑल कैंसर्स की बात करें तो किस तरह के जो कैंसर्स हैं हम बच्चों में जो देखते हैं वो मिलते हैं? देखिए, बच्चों में अक्सर छोटी ब्रेन में कैंसर पाते हैं। अब जब मैं छोटी ब्रेन बोलता हूँ, ऊपर जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम है, इसको हम बड़ी ब्रेन बोलते हैं। ओके, पीछे जो सेरिबेलम है उसको हम छोटी ब्रेन बोलते हैं। ओके, तो बच्चों में अक्सर छोटी ब्रेन में ट्यूमर्स हो सकते हैं। अच्छा, सबसे कॉमन वाला ट्यूमर हम इसको एस्ट्रोसाइटोमा बोलते हैं, जो टेक्निकल टर्म्स हैं। पर अगर हम इसे आम भाषा में बात आम भाषा में अगर बोलें तो एक ये बिनाइन ट्यूमर है। ओके, ये कम्प्लीटली ट्रीटेबल है। अच्छा, इसको अगर आप ट्रीट करेंगे तो बच्चा बिल्कुल ठीक हो सकता है। कुछ केसेस में और थोड़ा कॉम्प्लेक्स केसेस हो सकता है, जैसे मैं टेक्निकल टर्म बोलूंगा जो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, उसको मेडुलोब्लास्टोमा बोलते हैं। ओके, ये एक इंटरमीडिएट टाइप ऑफ कैंसर है। इसका अगर हम ट्रीटमेंट करके सारी दवाइयाँ और कीमोथेरेपी दें तो बच्चा बिल्कुल मोस्ट ऑफ द केसेस में 5 साल 10 साल और कभी क्योर भी हो सकता है। क्योर के चांसेस काफी अच्छे हैं, जैसे कि दोनों माहिरीन हमारे बता रहे हैं। डॉक्टर भटनागर सर, आपका रुख करना चाहेंगे, आप यूनानी के एक्सपर्ट हैं, तो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन किस तरीके से चाइल्डहुड कैंसर को देखता है? हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम में जो हम बच्चों का ख्याल रखने की बात करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, उसमें हमारा मेन ये है कि बच्चों का खाना पीना, उनका जो डेली रूटीन है उसके ऊपर ज़्यादा ख्याल रखते हैं। अगर वो सब कुछ सही रहेगा तो इसमें काफ़ी आराम रहेगा। बच्चा का उठना, सोना, जागना, ये सब चीज़ें जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगर हम शुरू से ही बच्चे का लाइफ स्टाइल अच्छा रखेंगे और गलत चीज़ों से दूर रखेंगे तो आगे चल के उसको बेनिफिट ही मिलेगा इस चीज़ का। और बचपन में इन चीज़ों का बहुत महत्व है कि बच्चा जो है सुबह उठ रहा है, उसको धूप है, उसको मालिश है, एक्सरसाइज है, ये सब चीज़ें अगर हम ख्याल रखें तो उसको काफ़ी आराम रहेगा। बाकी जो पर्टिकुलर किसी ऑर्गन में अगर उसको कुछ थोड़ा ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है तो उसके लिए तो फिर चेकअप करवाना और उसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है जी। बिल्कुल डॉक्टर समीर, अगर यहाँ हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो बच्चों की अगर हम बात करते हैं तो क्या हम इसमें उन बच्चों की ही सिर्फ बात कर सकते हैं जो इस दुनिया में हैं या फिर जो भी फीटस हैं, माँ के अंदर हैं अभी, उनमें उसमें भी ये कैंसर्स हो सकते हैं? दुनिया में नहीं आए, जो दुनिया में अभी तक आए नहीं हैं, और उनमें भी क्या ये कैंसर्स हो सकते हैं? तो बहुत 100 में अगर मैं बोलूं तो 1 या 2 ही ऐसे कैंसर होते हैं जो फीटस जब बच्चा माँ की पेट में होता है तब वो पकड़ में आए, और काफ़ी उनमें से ऐसे कैंसर होते हैं जो अपने आप सबसाइड कर जाते हैं जी। मैं ये मैसेज नहीं देना चाहूँगा कि जब बच्चे पेट में हैं तो कैंसर डेवलप हो रहा है, ये मैसेज गलत होगा। आमतौर पे बच्चा पैदा होने के बाद जैसे ग्रो करता है
एनवायरनमेंट में आता है तब कैंसर होते हैं, बहुत ही एक स्मॉल परसेंटेज है जो आपको तब मिलती है। okay. बिल्कुल, ये बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सर ने शेयर की, क्योंकि ज्यादातर कभी कभार हम सुनने में आते हैं कि कहा जाता है कि किसी तरह की कोई अल्ट्रासाउंड करवाया तो तब पता चला बच्चे के ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है या किस तरह से कुछ चीजें सामने आती हैं। प्रॉब्लम होती है मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन बहुत स्मॉल परसेंटेज, बहुत नहीं के बराबर है, बहुत स्मॉल परसेंटेज। बिल्कुल डॉक्टर शरद चंद्र, आपका रुख करना चाहेंगे डॉक्टर साहब, एज ए सर्जन सर्जरी का क्या रोल है डॉक्टर साहब चाइल्डहुड कैंसर्स में? मैं ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में बात कर जी, बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल। तो जो भी मैंने जिक्सर जो भी मैंने अभी अभी बताया, जैसे जो भी ट्यूमर्स मैंने बताया, ये सारा कुछ सर्जिकली ट्रीटेबल है। अच्छा, तो इसमें 100% हम सर्जरी कर सकते हैं और आज के दिन में सर्जरी बहुत सेफ है, बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, इनके आउटकम्स भी काफी अच्छे हैं। लेकिन ये है कि ट्यूमर ग्रेडिंग के हिसाब से बाद में रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी की जरूरत है वो डिसाइड करेंगे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। ओके, ठीक है। अक्सर बहुत ज्यादा छोटे बच्चे होते तो इसमें हम कीमोथेरेपी देते हैं, रेडियोथेरेपी नहीं देते। अच्छा। लेकिन कहना है कि अगर हम जल्दी इसको पकड़ें, जल्दी इसको सर्जरी करें और इमीडिएटली इनको ट्रीटमेंट दिलाएं तो आउटकम्स काफी ठीक रहता है, सक्सेस रेट काफी अच्छा। जी जी, ये खुशी की बात है कि बच्चों में एटलीस्ट क्योर रेट बेटर है, जैसे कि हमारे माहिरीन बता रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर भटनागर, आपसे बात करना चाहेंगे कि इम्यूनिटी कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी बीमारी के अंदर और कैंसर में भी करती है, तो यूनानी ट्रीटमेंट में इम्यूनिटी बूस्ट करने का क्या तरीका है? हमारे यहाँ इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखा जाता है। एक तो लीवर, देखिए लीवर जो है हमारा वो सही अगर काम कर रहा है जी, या हाँ अगर ज़रूरत है तो हम लीवर के लिए उसको दवाएं दें जिससे कि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, उसका खाने पीने का सिस्टम सही रहे। इसके अलावा इम्यूनिटी बूस्टर्स तो बहुत हैं मार्केट में, वो तो हम दे सकते हैं, लेकिन अगर हम उसका दिनचर्या को सही करेंगे और लीवर और पेट और उसका डाइजेशन जो है अगर सही रहेगा तो उसकी इम्यूनिटी के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ेगा। बच्चा जो है वो बता नहीं सकता अपनी तकलीफ, हाँ, अगर 4-5 साल से छोटा है वो नहीं एक्सप्रेस कर पाता, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो बता पाता है। तो उसके बच्चे की, छोटे बच्चे की हमें साइन देखने पड़ते हैं, उसी से हमें अपना अंदाज़ा लगाना पड़ता है, और डॉक्टर्स तो थोड़ा बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसको एग्जामिन करके थोड़ा अंदाजा लगा के उसे हिसाब से दवा देता है, कहीं ना कहीं रख भी देता है, बता भी देता है कि उसे क्या दिक्कत हो रही है। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल सही बात जी। डॉक्टर बख्शी सर, आपका रुख करना चाहेंगे डॉक्टर, अगर टोटल हम पीडियाट्रिक कैंसर्स की बात करें, कितने प्रकार के जो बच्चों में जो कैंसर होते हैं थोड़ा उस बारे में हमें आम भाषा में अगर बताएं? तो बच्चों में जो कैंसर हैं, अगर मैं 100 का आंकड़ा देखूं तो 40-50 जो कैंसर हैं वो हैं ब्लड या लिम्फ नोड के कैंसर, जिसको हम कहते हैं गांठों के कैंसर। तो 50% आपके ब्लड कैंसर और गांठों के कैंसर हो गए, बाकी जो 50 हैं वो ऑर्गेन स्पेसिफिक होते हैं। अच्छा। यानी कि किडनी का कैंसर, लिवर का कैंसर, आँख का कैंसर, ब्रेन का कैंसर। और इन अगर हम ऑर्गेन्स को कैंसर में देखते हैं तो उसमें ब्रेन और बोन के ट्यूमर सबसे बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। अच्छा, जब जो बोन के कैंसर होते हैं वो डॉक्टर उस बारे में थोड़ा हमें बताएं। तो बोन के जो कैंसर हैं, दो प्रकार के कॉमन कैंसर हैं, एक का नाम है ऑस्टियोसार्कोमा, एक का नाम है ईविंग सार्कोमा। ये आमतौर पे ग्रोइंग बोन्स में पाए जाते हैं। ग्रोइंग बोन्स से मतलब है जब बच्चा टीनेजर है तो इनका जो पीक जो इंसिडेंस है वो टीनेज में होता है। अच्छा। कि जब बोन ग्रो कर रही है तब उसमें पाया जाता है। अच्छा, इस तरीके से। डॉक्टर शरद, आप ब्रेन और स्पाइन को देखते हैं तो किस तरह से एक पेरेंट को पता लगेगा, जैसे कि अभी डॉक्टर भटनागर में भी कहा, हमने खुद भी कहा कि बच्चे बहुत छोटे हैं तो नहीं बता पाते अपनी दिक्कत, तो कैसे पहचाने एक पेरेंट्स कैसे पहचाने कि उसके बच्चे के मतलब दिमाग में किसी तरह की कोई दिक्कत है या कोई स्पाइन में उसे किसी तरह की, तो क्या साइंस क्या है? देखिए, बच्चा अगर बहुत ही ज़्यादा छोटा है, अगर इन्फेंसी में है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम हम बोलते हैं फेलियर टू थ्राइव। बच्चा ठीक से दूध नहीं पिएगा, खाना नहीं खाएगा, लिथार्जिक हो जाएगा। एक और कॉमन सिम्टम है कॉन्स्टिपेशन। अच्छा, तो बच्चे को जब हेडेक होता है तो बच्चा हेडेक है करके बोल नहीं पाता जी, लेकिन वो अपने आप को स्ट्रेस नहीं कर पाता है ताकि स्टूल्स पास करें, सो वो स्ट्रेस करना बंद कर देगा जिसके वजह से सिवियर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ओके, तो अप्रोक्सीमेटली 10-20% ऑफ चिल्ड्रन आते हैं हमारे पास विद सिवियर कॉन्स्टिपेशन,
तो जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हमें पता चलता है कि इनको ब्रेन ट्यूमर है। इसके अलावा बच्चे को सर में दर्द होगा तो अपने सर के ऊपर ऐसे मार सकता है, इरिटेबल हो सकता है, रो सकता है, बहुत सारे सिम्टम्स हैं। अगर मिडलाइन ट्यूमर अगर पीछे के ब्रेन के हिस्से में है तो चलने में दिक्कत आ सकती है, बच्चा चलने में लड़खड़ाएगा, गिर जाएगा। हाँ, ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। मेंटल स्टेट पे भी कोई प्रॉब्लम आती है उसके? यूजुअली मेंटल स्टेट में उतना नहीं होता है। अच्छा। क्योंकि बच्चों में रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इसका मतलब है कि ब्रेन में जो प्रेशर बढ़ती है उसके वजह से सिम्टम्स पहले होते हैं। अच्छा। ठीक है, इसके वजह से हेडेक हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, फेलियर टू थ्राइव हो सकता है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, लिथार्जीनेस हो सकती है, ये सारे सिम्टम्स सबसे ज्यादा कॉमन। तो आप कब समझते हैं कि अब इस बच्चे को हॉस्पिटल या डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, कौन सा ऐसा पॉइंट होता है? मां बाप को कब कब इमीडिएट डॉक्टर? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फेलियर टू थ्राइव। अगर बच्चा ठीक से खाना नहीं खा रहा है, दूध नहीं पी रहा है, लिथार्जिक हो गया है, इरिटेबल है, तो ये वार्निंग सिम्टम्स है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, तुरंत जाके एग्जामिन करवा लेना चाहिए। बिल्कुल, ये छोटी बातें काफी गंभीर रूप ले सकती हैं। डॉक्टर भटनागर, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो इन ये बच्चे बड़े मासूम होते हैं, कुछ बता नहीं पाते हैं, और लेकिन जो इनकी तकलीफें हैं, हेलोपैथी का ट्रीटमेंट तो चल ही रहा होता है, साथ ही साथ क्या पैरेलली साथ ही साथ हम यूनानी ट्रीटमेंट भी बच्चे का अगर कराएं तो कोई नुकसान होने का अंदेशा रहता है? नहीं, देखिए, हम पेशेंट को सपोर्ट देने को तैयार रहते हैं हमेशा। एलोपैथिक दवा चल रही है या ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसके साथ हम अपनी दवा दे सकते हैं। थोड़ा सा ये होता है कि हम पेशेंट को हमेशा ये गाइड कर देते हैं कि हाफ एन आवर के गैप से आप दवा दें। दूसरा ये कि बच्चे की जो प्रॉब्लम है उसकी तरफ बहुत गौर करना है। मान लीजिए कि बच्चा बहुत वीक हो रहा है, लेथार्जिक हो रहा है, तो ये नेचुरल है कि उसको भूख कम लग रही है, तो हम उसकी भूख को बढ़ाएं। भूख को बढ़ाने का मतलब सीधा यह है कि हमें लिवर के तरफ गौर करना पड़ेगा। और अगर उसको आयरन की कमी हो रही है, बच्चा बहुत वीक हो रहा है, तो उसे आयरन का कुछ सप्लीमेंट दिया जाए, चाहे कोई मेडिसिन के फॉर्म में हो या कोई सप्लीमेंट हो। तो अगर बच्चा और कोई ऐसी एक्शंस कर रहा है उसके हिसाब से हम दवा देते हैं। बच्चे को कुछ ताकत के हिसाब से दवा दी जाती है। हमारे यहाँ मुकव्वियात होते हैं जो बॉडी को ताकत देते हैं, तो ऐसी चीज़ें हम उनको देते हैं और वो अलग अलग फॉर्म में आते हैं, तो बच्चों के हिसाब से भी दवाएं आती हैं। क्योंकि आपका मैंने देखा यूनानी सिस्टम में जो मेडिसिन है इनका स्वाद जो टेस्ट है थोड़ा मीठा रहता है, तो बच्चों को मीठा बेहद पसंद होता है, शायद वो आसानी से ले भी लेते हैं। वो आपकी बात बिल्कुल सही है। आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादातर दवाएं मीठी होती हैं, शरबत होते हैं, माजून होते हैं, जवारिश हैं, लऊक हैं, ये सब चीज़ें मीठी होती हैं ज़्यादातर, और बच्चा जो है बच्चा इजीली उनको ले लेता है, साइड इफेक्ट कोई नहीं होता। जी डॉक्टर समीर, आपसे एक तो मैं सबसे दो सवाल पूछना चाहूंगी। पहला तो ये है कि जब इस तरह की कोई दिक्कत, जैसे कि अभी डॉक्टर सलत ने भी जो हमें साइंस बताए हैं, अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है बच्चों में तो पहले एक पीडियाट्रिशियन के पास जाना चाहिए, ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए उस बच्चे को लेकर? देखिए, पहला तो आपको पीडियाट्रिशियन के पास जाना चाहिए। ओके। क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम देखें तो कैंसर कॉमन नहीं है। अगर हम बोलें कि कितने कैंसर होते हैं पूरी कंट्री में एक साल में, तो टोटल नंबर ऑफ कैंसर्स हैं 70,000 न्यू कैंसर केसेस ऑफ चाइल्डहुड। टोटल 14 लाख कैंसर नए कैंसर केसेस हर साल डायग्नोज होते हैं हमारे देश में। उसका 5% चाइल्डहुड कैंसर है। अच्छा। तो करीब करीब 70,000-75,000 नए कैंसर केसेस होते हैं जी। तो जो कैंसर केसेस के जो सिम्टम्स हैं, जैसे मान लो मैं ब्लड कैंसर लेता हूँ, तो कॉमन सिम्टम है फीवर। फीवर या थोड़ा सा खून की कमी होना। पर अगर हम कहें कि सारे फीवर कैंसर हैं तो वो गलत मैसेज हो जाएगा। ज्यादा फीवर के कारण तो जनरल इन्फेक्शंस हैं जी। तो इसलिए पहले तो पीडियाट्रिशियन या जनरल मेडिसिन या जो आपके फैमिली डॉक्टर है वहां जाना और चाहिए। और कितना टाइम तक फिर इलाज कराए, ये ना हो ना कि फीवर का ही इलाज कराते रहे और जो ये ज्यादा दिक्कत है वो ज्यादा बढ़ जाए। तो मेरे ख्याल में जो एक्सपर्ट होंगे वो खुद ही डायरेक्ट कर देते होंगे जी। उसका ये है, अगर कोई भी मोर टेस्टिंग देन द यूजुअल वंस। सेकंड, अगर किसी का हीमोग्लोबिन कम हुआ जी, और साथ में हमारे ब्लड में तीन किस्म के सेल्स होते हैं, एक हीमोग्लोबिन जो जिसको हम कहते हैं कि खून की कमी हो गई या क्या हुआ, एक होते हैं प्लेटलेट जो अगर कम होते हैं तो ब्लीडिंग की टेंडेंसी बढ़ती है, और एक होते हैं WBC काउंट। तो ये ब्लड कैंसर में या तो कम हो सकते हैं या बहुत बढ़ सकते हैं। अच्छा, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं।
तो अगर ये जो ब्लड कैंसर हैं बोन मैरो से आते हैं जी जी, तो बोन मैरो की जो जगह है अगर वो पैक हो जाती है तो दो किस्म से सेल्स हो सकते हैं, ब्लड तो कम हो ही रहा है जी जी, प्लेटलेट भी कम हो रहे हैं। अब जो कैंसर के सेल हैं अगर पैक होने से जो वाइट सेल ब्लड में आते हैं या तो वो बिल्कुल कम हो जाते हैं या ये कैंसर के सेल बाहर आ जाते हैं ब्लड में। अच्छा। तो आपका सेल काउंट बढ़ जाता है जी जी जी। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी को फीवर आ रहा है और दो हफ्ते से ज्यादा वो फीवर है तो उसको जो है हीमोग्लोबिन के टेस्ट, प्लेटलेट्स के टेस्ट और WBC, ये जो टेस्ट है ये एक रूटीन उसमें चेकअप में करवा लेनी चाहिए बिल्कुल। और ये मत समझिए कि शायद वो कैंसर ही होगा, लेकिन एक छोटा सा टेस्ट कराने में किसी तरह की कोई बुराई नहीं है बिल्कुल। डॉक्टर साहब अभी आपने बोला पैक वर्ड यूज किया, डॉक्टर साहब उसको थोड़ा सा आसान शब्दों में थोड़ा हमें बता दें। पैक का मतलब ये है अगर मैं बोन मैरो की एक स्पेस लूं, हमारे ये बोन मैरो स्पेस होती है जो हमारी हड्डियां हैं जो बोन्स हैं उनके बीच में जो खाली बीच की स्पेस है वहां पर हमारा ब्लड बनता है जी, उसको हम कहते हैं बोन मैरो जी। तो है तो स्पेस लिमिटेड, एक कमरा समझिए, अगर उस कमरे में बहुत सारे सेल्स ग्रो कर जाएंगे तो कुछ तो सेल्स बाकी कुछ मरेंगे तभी ग्रोथ रहेगी, तो जो अच्छे सेल्स हैं वो मर जाते हैं क्योंकि खराब सेल तो ग्रो करते जा रहे हैं बिल्कुल। तो जो अच्छे सेल हैं यानी जो हमारे ब्लड जो हीमोग्लोबिन है प्लेटलेट है वो सेल्स मर जाते हैं जी, और खराब सेल्स ग्रो करते जाते हैं। तो स्पेस तो पैक्ड है एक कमरे की तरह बिल्कुल लिमिटेड इसमें जगह बिल्कुल। डॉक्टर साहब हमारे प्रोग्राम को देखते हुए अभी एक हमारे दर्शक जुड़ चुके, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो, लगता है हमारा हाँ डॉक्टर बख्शी सर आप कुछ कह रहे थे उसको बात कर लीजिए। डॉक्टर साहब दूसरे बाकी सिम्टम है जैसे गांठें बढ़ जाना जी, गले में गांठें हो गई, तो सारी गांठें कैंसर नहीं है, कई गांठें नॉर्मल इन्फेक्शन से होती हैं, टीबी से होती हैं, पर कोई गांठ अगर ज्यादा स्पीड पे बढ़ती जा रही है, ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है, तो उसकी जांच आवश्यक है। डॉक्टर साहब वो फिर से वापस आ चुके हैं, एक बार उनका सवाल ले लेते हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में। हेलो, हाँ मैडम नमस्कार, अपना सवाल पूछिए, इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार सर, मैं आलिया बात कर रही हूँ। एक्चुअली फर्स्टली तो मैं आपको लोगों को बोलना चाहूंगी थैंक यू, आप लोग इतनी अवेयरनेस फैला रहे हैं। सर मेरा सवाल दरअसल ये है कि जैसे कि बच्चों को कैंसर हो जाता है और आप जैसे कि सर ने अभी बताया कि 14 लाख से ज्यादा केसेस को होता रहता है एवरी ईयर, तो क्या बच्चों के केसेस में सर्जरी का क्या रोल होता है और ये कितना यू नो फायदेमंद है और क्या क्या नुकसान है, मैं इसमें जानना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ सर्जन हैं तो मैं ये सवाल डॉक्टर शरद चंद्रा सर से लेना चाहूंगा क्योंकि बीइंग अ सर्जन आप बेहतर इस चीज को देखेंगे, हालांकि इनपुट में डॉक्टर बख्शी से भी लेना चाहूंगा जी। डॉक्टर शरद चंद्रा सर देखिए आउटकम सर्जरी का आउटकम डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स पे, फर्स्ट डिपेंड करता है कि लोकेशन, कुछ ऐसे लोकेशंस हैं जहां पे सर्जरी करना नामुमकिन है। अच्छा, जैसे कि एक हम बोलते हैं डिफ्यूज इंट्रिंसिक पॉन्टन ग्लायोमा करके एक टेक्निकल वर्ड, इसका मतलब है कि हमारे ब्रेन के बीच में एक ब्रेन स्टेम करके एक नाड़ी है जहां से सारे नस जाते हैं जी, सो अगर यहां पे कोई ट्यूमर हुआ तो यहां पे सर्जरी बहुत ही मुश्किल है या ना करना मुमकिन नहीं है। अच्छा, दूसरा डिपेंड करता है कि सर्जरी के टाइम पे कितना ट्यूमर निकाला गया जी, अगर ट्यूमर पूरा निकल गया तो आउटकम अच्छा रहता है, ट्यूमर कुछ रह गया तो चांस होता है कि वो बढ़ सकता है। अच्छा, तीसरा डिपेंड करता है टाइप ऑफ कैंसर, किस तरह का ग्रेडिंग है, अगर लो ग्रेड है तो समझ लीजिए अगर कुछ भी रह गया है तो ये एक तरह का क्यूर है, अगर हाई ग्रेड है तो चांसेस रहता है कि भी वापस ट्यूमर हो सकता है जी। और फिर चौथा डिपेंड करता है कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी उसका कितना सेंसिटिव है। अच्छा, कि इससे ट्रीटमेंट हो सकता है कि नहीं, कुछ ट्यूमर्स हैं बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं जी, जैसे कीमोथेरेपी देते हैं तो पूरा ट्यूमर ही डिसअपीयर हो जाता है। अच्छा, तो ये मेन क्राइटेरिया है जिसके ऊपर डिपेंड करता है सक्सेस या आउटकम ऑफ जी ट्यूमर्स के ऊपर डिपेंड करता जी। डॉक्टर साहब ने ग्रेड की बात की, थोड़ा सा उसे अगर आसान शब्दों में बता दें, हाई ग्रेड लो ग्रेड आपने बात की अभी। देखिए ब्रेन ट्यूमर्स में लगभग हम 4 ग्रेड्स रखते हैं जी, ग्रेड 1 सबसे बिनाइन होता है, इसका मतलब है सबसे अच्छा होता है जी। एक टिपिकल एग्जाम्पल है कि इसमें एक ट्यूमर होता है जिसमें पानी भर सकता है, इसको हम टेक्निकल टर्म्स में पाइलोसाइटिक बोलते हैं जी। ये ट्यूमर अगर हम थोड़ा भी निकाल दें तो ये क्यूर ही होता है, वापस कभी बढ़ता नहीं है। कुछ ग्रेड 2 ट्यूमर्स हैं जो अगर पूरा निकाल दिया तो इसका आउटकम बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, अगर कुछ भी बच गया तो ये अमेनेबल टू कीमोथेरेपी है, कीमोथेरेपी दे सकते हैं और सक्सेस रेट बहुत अच्छा रहता है। ग्रेड 3 में आउटकम जो है करीबन 3-4 ईयर्स और 4-5 ईयर्स तक रह सकता है।
ग्रेड फोर लेस देन वन ईयर रह सकता है। इसके अलावा कुछ अनकॉमन ट्यूमर्स हैं जैसे कि जर्म सेल ट्यूमर्स। जर्म सेल्स का ट्यूमर है मतलब इसका सीड बाई बर्थ है लेकिन ये जब तक बढ़ता है ये एक साल में बढ़ सकता है या डेढ़ साल में बढ़ सकता है, दो साल में बढ़ सकता है। लेकिन ये जो कैंसर का सीड है बाई बर्थ से ही होता है जो आपको हमें दिखता नहीं है उस समय, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट है, डिपेंड करता है कौन सा ग्रेड है। अगर अच्छी ग्रेड है तो हो सकता है क्यूर भी हो जाए, अगर बैड ग्रेड है हो सके एक दो साल में ही रिकरेंस हो जाए। और एक एक्सपर्ट ही इसको बता सकता है कि कौन सा ग्रेड। जी डॉक्टर शरद, कितने परसेंटेज ऑफ ट्यूमर हम समझे कि वो कैंसर हो सकते हैं? अप्रोक्सीमेटली जैसे आप ग्रेड फोर बोलते हैं, अप्रोक्सीमेटली 40-50% ग्रेड फोर होते हैं। ग्रेड फोर होते हैं, तो कैसे हम ये समझ सकते हैं कि जो ट्यूमर है वो कैंसर का रूप ले चुका है? किस तरह के टेस्ट किए जाते हैं? जब हम ऑपरेशन करते हैं हम इसका हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, तो आजकल हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन काफी एडवांस्ड हो गया। मॉलिक्यूलर सब टाइपिंग है, जेनेटिक सब टाइपिंग है, तो आपको एग्जैक्टली बता सकते हैं कि किस तरह के ट्रीटमेंट से भी ये सेंसिटिव है। तो इससे हमें अच्छी, बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ जाता है कि ये किस तरह का कैंसर है, इसका आउटकम क्या है, इसकी सक्सेस रेट क्या होती है, कितना ट्रीटेबल है, सारा कुछ सोचना। आपका इशारा डॉक्टर बायोप्सी की तरफ है। बायोप्सी देखिए मतलब ट्यूमर तो पूरा निकालने की ही कोशिश करते हैं और वो हम एग्जामिनेशन के लिए भी भेजते हैं। जब आप वर्ड बायोप्सी यूज करते हैं उसका मतलब है कि आपने एक छोटा सा ही टुकड़ा निकाला है, लेकिन वो अप्रोच जनरली हमारा रहता नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि पूरा ही ट्यूमर निकाल दे और वो हम जांच के लिए भेजें, पैथोलॉजिकल जांच के लिए भेजें। बिल्कुल डॉक्टर भटनागर, जैसे कि अभी हम आपसे बात ही कर रहे थे कि इम्यूनिटी का इसके अंदर बहुत बड़ा रोल रहता है और खाने पीने का भी। जब किसी इंसान को कैंसर होता है तो उसके खाने पीने पे भी बहुत फर्क पड़ता है, तो किस तरह से जो उसकी जो लाइफ है बिटवीन जो ट्रीटमेंट की चल रही होती है उसमें यूनानी किस तरह से मदद करता है उसको? हमारे यहाँ यूनानी में बहुत सी ऐसी अद्वियात हैं, अद्वियात मतलब दवाएं हैं जिनको हम सपोर्ट मेडिसिन की तरह यूज कर सकते हैं। और मैं जहाँ तक समझता हूँ एलोपैथिक के साथ में अगर हम यूनानी ट्रीटमेंट बच्चों को दें, क्योंकि ये बहुत पैलेटेबल होते हैं तो मेडिसिन हमारी, तो बच्चा इजीली उसको कंज्यूम कर सकता है। तो उसको देने से बच्चे के अंदर जो है बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ बनी रहेगी, इम्यूनिटी बनेगी। तो इस उसमें हमारे पास बहुत सारी दवाएं ऐसी हैं जैसे माजून दबीदुल वर्द है, हम ये खमीरा मारवारी दे सकते हैं, कैल्शियम की कमी है तो उसको पूरा करता है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, इक्सीर आते हैं हमारे यहाँ बहुत सारे, जिगर के लिए लिवर के लिए दवाएं आती हैं जो हम दें। अगर अगर बच्चा वोमिटिंग ज़्यादा कर रहा है तो उसमें जवारिश अनारैन भी चटाई जा सकती है। ये दवाएं जो हैं बहुत फ़ायदा करती हैं अगर हम इनको थोड़ा एलोपैथिक दवाओं के थोड़ा गैप से दवाएं साथ में अगर हम दें। गैप की जरूरत, गैप देखें। लेकिन फिर भी हम अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहेंगे कि जो भी दवाएं अभी डॉक्टर भटनागर ने बताई हैं वो दवाएं बिना किसी डॉक्टर की सलाह के आप बिल्कुल मत लीजिएगा। कोई भी दवा देने से पहले अपने जो भी आपके नियरेस्ट जो भी डॉक्टर हो उनसे पहले पूछ कर फिर अपने बच्चे को। क्योंकि हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य इलाज करना कभी नहीं रहा है बल्कि जागरूकता या अवेयरनेस फैलाना है। आप एक मार्गदर्शन ले सकते हैं कि किस तरीके से हम आगे बढ़े, लेकिन वो चीजों को आप उसी तरीके से पूरी तरह कॉपी करने की जरूरत नहीं है उन दवाओं को जी, बिना विशेषज्ञ की सलाह के। मैं डॉक्टर बख्शी आपका रुख करना चाहूंगा डॉक्टर साहब, क्योंकि रेटिनोब्लास्टोमा जो कैंसर होता है डॉक्टर साहब ये क्या होता है, क्या ये हेरिडिटरी भी है? रेटिनोब्लास्टोमा आंख का कैंसर है। अच्छा, ये प्रैक्टिकली छोटे बच्चों में ही पाया जाता है, इसीलिए डॉक्टर साहब मैंने आपसे पूछा। तो रेटिनोब्लास्टोमा, मैंने जब आपने बिगिनिंग में सवाल पूछा था क्या कैंसर के कोई कारण है, तो मैंने कहा था 95% केसेस में कोई कारण नहीं मिलता। हेरिडिटरी कैंसर में रेटिनोब्लास्टोमा कैंसर है जो कि कई बार ट्रांसमिट होता है पेरेंट्स के थ्रू, उनकी जीन्स ट्रांसमिट होती हैं तो उससे कैंसर होता है। इस अगर मैं रेटिनोब्लास्टोमा के 100 केस लूं तो उसमें 40% हेरिडिटरी होते हैं और 60% हेरिडिटरी नहीं होते। अच्छा, इसमें आँख का कैंसर है जिसमें आँख का, जब हम आँख को देखते हैं छोटे बच्चे में तो जिसको कहते हैं कि कैट साई, बिल्ली जैसी आँख दिखती अच्छा, है, गंजी आँखें हैं। हाँ जी, अगर वो दिखती है तो उसकी जांच कराना आवश्यक है। अच्छा, क्योंकि ये कैंसर भी अगर अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए जब आँख में ही सीमित है जी,
तो 95% लोग क्योर हो जाते बिल्कुल हैं। क्योर हो जाते। यहाँ तक कि सिर्फ क्योर ही नहीं, आंख भी बच सकती है। अच्छा, हाँ जी, आंख भी बच सकती है कीमोथेरेपी के द्वारा और लोकल आई थेरेपी के द्वारा। तो इसलिए इसका पकड़ना बहुत जरूरी है अर्ली स्टेज में। बिल्कुल। और डॉक्टर समीर, आपने जो अभी बात की हेरिडिटरी वाली, इसी पर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या सारे जो कैंसर होते हैं, पेरेंट्स में बड़ा गिल्ट होता है जब उसके बच्चे को कैंसर निकल आता है तो उन्हें लगता है कि शायद हमारी वजह से या हमारे किसी को हुआ होगा कभी कैंसर, तो शायद हमारे बच्चे को, तो ये कितना सही है समझना? ये सही नहीं है। मेरे से बहुत सारे पेरेंट्स से सवाल पूछते हैं, ऑब्वियसली उनको ऐसा लगता है, घर वाले भी कई बार बोलते हैं कि आपने कुछ खाया पिया तो उससे हो गया। इसका आंसर है कि नहीं, पेरेंट्स के खाने पीने से या बच्चा किस स्कूल में जा रहा है या कौन से फ्रेंड्स हैं या किस घर में रहते हैं उससे कैंसर नहीं हो रहा। ये जेनेटिक चेंजेस हैं जो हमारी जीन्स में चेंजेस होते रहते हैं। जीन्स को मैं किस भाषा में बोलूँ, जो हमारा पारिवारिक तौर पे मिलते हैं, परिवार माँ बाप से मिलते हैं, जो नहीं जीन्स तो मतलब जो हमारी जो जीन्स हमारे शरीर में जो होती हैं जीन्स, उनमें चेंजेस नॉर्मल एनवायरनमेंट चेंज सब में हो रहे होते हैं। उनमें कई बार चेंजेस खराब होते हैं और किस्मत खराब होती है तो कैंसर हो जाता है। पेरेंट्स या एनवायरनमेंट या पेरेंट्स स्कूल, उनकी कोई गलती नहीं। तो हम समझे कि इट्स एन जैसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं ऐसे कैंसर, ऐसा ही है बच्चों में, बड़ों में नहीं। बड़ों, अच्छा, बड़ों में नहीं, बड़ों में 40-50% केसेस में हमें कारण मिलता है कि क्यों कैंसर हो रहा है। और सबसे कॉमन कारण जो है वो है स्मोकिंग, बिल्कुल, या टोबैको च्यूइंग, जो हम तंबाकू जो लोग खाते हैं। तो मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, लंग कैंसर, ये सारे कैंसर टोबैको या टोबैको च्यूइंग से रिलेटेड है, बच्चों में ऐसे नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर शेरचंद्र, आपका रुख करना चाहेंगे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, अगर डायग्नोसिस बन चुका है तो ट्रीटमेंट किस तरह शुरू किया जाता है बच्चों में कैंसर का? डिपेंड अगेन करता है कि किस तरह का कैंसर है। अगर सर्जिकली एमिनेबल है, इसका मतलब अगर हम सर्जरी कर सकते हैं, तो डेफिनेटली सर्जरी फर्स्ट चॉइस होता है। सर्जरी भी दो प्रकार के होते हैं। हम हर समय ये देखते हैं कि सर्जरी के द्वारा हम पूरा निकाल सकते हैं कि नहीं। अब पर्टिकुलरली ब्रेन कैंसर्स में टेक्नोलॉजी काफ़ी कुछ बढ़ गया है, जैसे कि आजकल हम माइक्रोस्कोप्स यूज़ करते हैं, दूरबीन जिसको बोलते हैं, एंडोस्कोप्स यूज़ करते हैं, इमेजिंग बहुत एडवांस्ड हो गई है। आजकल हम ट्रैक्टोग्राफी करते हैं, मतलब जो ऑर्डिनरी ब्रेन ट्रैक्ट से उसको हम अच्छी तरह दिखा सकते हैं। फिर हमारे पास न्यूरो नेविगेशन है, जिसका मतलब है बिल्कुल सही स्पॉट कंप्यूटर के जरिए हम पहुंच सकते हैं। रोबोटिक डिवाइसेस हैं, अल्ट्रासोनिक एस्पिरेटर्स है, सो बहुत सारी डेवलपमेंट हुआ है जिसके जरिए ट्यूमर को पूरा निकालना आज के रेट में बहुत ही मुमकिन है, जो पहले 10 साल या इवन 5 साल पहले पॉसिबल नहीं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, क्योंकि एडवांसमेंट काफ़ी हुए हैं, हम अपने माहरीन से जानेंगे, ताकि एक हमारे दर्शक जुड़, बहुत बहुत इस्तकबाल है आप हमारे प्रोग्राम में आपका। हेलो हेलो हेलो, आप नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। सर मेरी एज 68 है जी, 58 में मेरा हो गया वो गिठड़ी का सर्जरी, ठीक तो वो ठीक हो गई, उस वक्त टेस्ट किया उसको तो नहीं था कुछ, फिर 18 में हुआ, फिर गुठी बन गई, वो बढ़ती गई, वो फिर निकली कंड्रोमा सरकोमा, ठीक है। तो आप लाइन पे बने रहिए, मैं डॉक्टर बख्शी आपसे हो सकता है कोई सवाल भी पूछे, या मैं ठीक से सुन नहीं पाया, समझ नहीं पाया, आप एक बार डॉक्टर बख्शी से ही बात करो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, आप अपना आप सवाल दोबारा पूछिए, डॉक्टर साहब कह रहे हैं साफ साफ। हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ आपको सुन रहे हैं, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल पूछिए। सर मेरी एज 68 है, ठीक है, पहली बार मेरे को राइट ये लेफ्ट चेस्ट में गुठली बनी, फिर मैंने उसकी सर्जरी की, उसका कुछ नहीं निकला, फिर दोबारा आई है 2018 में, उसके बाद 5-6 साल फिर आई, फिर कराया उसका सर्जरी, तो उस समय निकला ये कंड्रोमा सरकोमा, फिर उसके बाद ये फैला था कमर में, अब इस साल ये कमर में गया, फिर L5 L1 F5 में था। सब समझ पाए इनका सवाल? मैं लेफ्ट चेस्ट में इनके ना कुछ गिल्टी सी बन रही है, जो बच्चों का टॉपिक के लिए मैं समझ का सवाल मैंने पूछ लिया। जो आपका चेस्ट में गिल्टी बनी, उसका क्या डायग्नोसिस पाया गया था? डायग्नोसिस पहले कुछ नहीं, पहले कुछ नहीं था, जब दूसरी बार हुआ तो उस समय कंड्रोमा सरकोमा था। ये कौन सा सरकोमा? कंड्रोमा सरकोमा, कोंड्रोसार्कोमा। कोंड्रोसार्कोमा, अच्छा,
तो कॉन्ड्रोसार्कोमा जो प्रकार का कैंसर है वो सर्जिकली एक्साइज होता है, उसको सर्जरी से ही हटाना पड़ता है। किया सर, किया कर, मगर ये दोबारा रिपीट होता है। जी, तो कई बार क्या होता है कि वो ऐसी जगह पर होता है कैंसर कि उसको सर्जरी करके हटा भी रहे हों तो कुछ ट्यूमर रह जाता है, क्योंकि एक हिस्से तक ही आप सर्जरी कर पाते हैं, तो सीमा होती है, सीमा होती है, कई बार आप उसको हटा नहीं पाते, तो जिसको हम कहते हैं R0, यानी पूरा कैंसर नहीं हटा पाए। तो यदि ऐसा होता है तो कई बार वो दोबारा वापस आ सकता है। आप इसमें दोबारा अपने सर्जन से संपर्क कर सकते हैं कि क्या हटाने लायक वो ट्यूमर है या नहीं है। यदि वो नहीं है तो फिर आप एक बार रेडियोथेरेपी और जो कैंसर कीमोथेरेपी से डील करते हैं उनसे एक बार राय ले सकते हैं, क्या वो इस प्रकार का कॉन्ड्रोसार्कोमा है जिसमें कीमोथेरेपी काम कर सकती है कि नहीं। ज्यादातर कॉन्ड्रोसार्कोमा में कीमोथेरेपी काम नहीं करती, नहीं करती है। छोटे आरबीजी किया है इसका, रेडिएशन दी है मैंने, तो थोड़े ही कॉन्ड्रोसार्कोमा है जहां पर कीमोथेरेपी काम करती है। तो यदि वो इस प्रकार का नहीं है तो उसमें फिर कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी देने का लाभ नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसा कि आपको डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि कॉन्ड्रोसार्कोमा में कीमोथेरेपी का कुछ ज्यादा रोल नहीं है, हालांकि हमारा टॉपिक अब बच्चों से संबंधित था, फिर भी हमने आपको सवाल ले लिया और डॉक्टर साहब ने आपको बड़े अच्छे से बता दिया है। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया आप उसका पालन करिए। बिल्कुल, क्योंकि हमारा ये फर्ज है कि हम आपकी सेहत से जुड़ी बातें आपको हमारे प्रोग्राम में बताएं। तो कोई भी आपका सवाल होता है हम उसे जरूर लेते हैं। कोशिश यही रहती है कि सवाल हमारे टॉपिक से जुड़ा हो, लेकिन अगर कोई ऐसा सवाल हो तो वेलकम है। बिल्कुल, शुक्रिया। डॉक्टर सरद, आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी ट्रीटमेंट की हम लोग जैसे बात कर रहे थे, तो ट्रीटमेंट जो बच्चों का ट्रीटमेंट होता है और वो जो अडल्ट का ट्रीटमेंट होता है कैंसर का, क्या दोनों में फर्क होता है? पेन क्या रहता है प्रोसीजर में, किस तरह का रहता है ट्रीटमेंट? काफी फर्क है। देखिए, अगर बच्चा बहुत छोटा है तो सर्जरी में थोड़ा रिस्क ज़्यादा होते हैं, पर्टिकुलरली अगर ट्यूमर बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि बच्चे टेम्परेचर कम हो सकता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सर्जरी, ब्लड लॉस भी ज़्यादा हो सकता है। वैसे अभी बहुत छोटे बच्चों में भी काफ़ी बड़े ट्यूमर सेफली हम कर पा रहे हैं। तो कुछ बच्चों में हम आजकल एक है कि सैंडविच थेरेपी भी कर सकते हैं, जहाँ पे पहले हम एक छोटा सा गांठ की बायोप्सी करके फिर उनको कीमोथेरेपी दे के जब साइज कम हो जाता है फिर दोबारा जाके सर्जरी कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल बहुत सारे सेफ स्ट्रेटजीज भी हैं, जैसे कि आप ब्लड लॉस को कम कर सकते हैं, उसको प्री ऑपरेटिवली एम्बोलाइजेशन कर सकते हैं, उसकी वस्कुलरिटी जो ब्लड वेसल ब्लड सप्लाई है उसको कम करा सकते हैं आप, ताकि सर्जरी भी सेफ हो सकती है। इसके अलावा कुछ ट्यूमर्स हैं जिसको हम डायरेक्ट रेडियोथेरेपी भी दे सकते हैं बिना सर्जरी के, एक छोटी सी बायोप्सी करके फिर हम रेडियोथेरेपी भी कर सकते हैं। बिल्कुल। कुछ ट्यूमर्स हैं जो बहुत ही छोटे हैं, जो उसको हम आजकल गामा नाइफ भी दे सकते हैं। अच्छा, गामा नाइफ सिर्फ एक 3 या 4 घंटे की प्रोसीजर होती है और सिंगल टाइम प्रोसीजर होती है, और कुछ ट्यूमर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव। बिल्कुल डॉक्टर साहब, गामा नाइफ का हम अक्सर जिक्र सुनते हैं, तो आपसे थोड़ा बहुत उसके बारे में बता दें कितनी इफेक्टिव है ये कैंसर के ट्रीटमेंट। देखिए, गामा नाइफ इज वेरी सिमिलर टू लेजर। अच्छा, जैसे आपने एक टॉर्च जलाया उसकी लाइट बिल्कुल आउट ऑफ फोकस होके काफी वाइड एरिया में जाती है। अच्छा। लेकिन आपने एक लेजर पॉइंट किया तो बिल्कुल स्पॉट ऑन एक बहुत ही छोटी सी जगह पे जाती पिन पॉइंट हो जाती पिन पॉइंट हो जाती है। तो गामा नाइफ में पर्टिकुलरली क्या होता है, एक हेलमेट होता है जिसमें बहुत सारे छेद होते हैं, और इस छेद से जो रेडिएशन है बिल्कुल पिन पॉइंट होके एक बहुत ही स्पेसिफिक एरिया पे जाती है। इसका एडवांटेज है कि बगल में जो ब्रेन है, बगल में जो एरिया है, इसके ऊपर रेडिएशन जाके कोई हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं होता है। बिल्कुल। लेकिन इसमें भी अपनी लिमिटेशंस है कि ट्यूमर का साइज करीबन 2 या 3 सेंटीमीटर इन साइज होना चाहिए, इसका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम है। लेकिन इसका एडवांटेज है कि ये डे थेरेपी है, आप सवेरे आ गए, 3 घंटे के बाद आपका ट्रीटमेंट खत्म हो गया, आप आराम से उसी दिन घर वापस जा सकते हैं। आप ये कहना चाहिए ट्यूमर का साइज है जी, वो फिट इन होना चाहिए तभी उस गामा नाइफ अप्लाई किया जाता है। ट्यूमर और ट्यूमर का साइज और ट्यूमर का टाइप टाइप जैसे कि बच्चों में एक ट्यूमर है जिसको हम बोलते हैं क्रेनियोफेरिंजियोमा। जी, ठीक है, इसको हम सर्जरी के द्वारा अक्सर पूरा निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर निकालेंगे तो रोशनी में कुछ दिक्कत आ सकती है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो छोटा सा रह गया तो इसको हम गामा नाइफ। बिल्कुल। तो जैसे डॉक्टर सरत ने हमें समझाया कि कितनी सारी एडवांसमेंट आ चुकी है आज ट्रीटमेंट के ऑप्शन में, तो अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है या कोई कैंसर डिटेक्ट होता है बच्चे में, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ट्रीटमेंट अवेलेबल है, बस आपको सही वक्त पर सही जगह पहुंचने की जरूरत है।
डॉक्टर भटनागर, ट्रीटमेंट की ही बात चल रही है तो आपसे यूनानी जो हमारी है इसमें ट्रीटमेंट का क्या प्रोसीजर रहता है और कितना सही इसका ट्रीटमेंट है कैंसर का यूनानी में? कैंसर ऐसा है कि ये दो तरह का है, जैसे आपको भी डॉक्टर साहब ने बताया अभी कि एक तो है बेनाइन, दूसरा मैलिग्नेंट। एक्चुअल कैंसर मैलिग्नेंट है। बेनाइन जो है उसको हमारे यहाँ महमूदा कहते हैं और मैलिग्नेंट को खबीसा कहते हैं। तो बेनाइन का तो इलाज आराम से हो जाता है, उसके साइन एंड सिम्टम्स के हिसाब से दवा दे दी जाती है और वो ठीक हो जाता है। और रही बात मैलिग्नेंट की, तो उसमें एलोपैथिक में सर्जरी वगैरह की ज़रूरत पड़ती ही है। ये है कि उसमें हम सपोर्ट मेडिसिन दे सकते हैं। इसके लिए हमें बच्चों में तो थोड़ा दिक्कत पड़ती है, लेकिन बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो ये पॉसिबिलिटी हैं कि हम उनको बच्चों को उनको पेशेंट को मुंजिज और मुसिल दें। मुंजिज मतलब उसको ट्यूमर को पकाने के लिए, पहले उसको पकाया जाए, बढ़ा के पकाया जाए जिससे कि वो लिक्विड फॉर्म में फिर निकाला जा सके। उसके बाद उसको मुसिल देते हैं जिससे कि वो मोशन के थ्रू उसमें जो मादा है, जो खराब मादा है, वो निकल जाता है। तो बेनाइन में तो ये पॉसिबल हो जाता है, लेकिन जहाँ तक मैलिग्नेंट में है वो पॉसिबल नहीं हो पाता जी। उसके लिए हम मुंजिज इसके मुसिल के अलावा हम हिजामा भी करते हैं। तो हिजामा जो है वो दैट इज कपिंग, वो छोटे बच्चों में नहीं किया जा सकता। बड़े लोगों को तो कपिंग कर देते हैं तो उससे भी वो मादा निकलता है जी। डॉक्टर साहब ने एकदम क्लियर कर दिया है कि जो मैलिग्नेंट कैंसर है, जो कैंसर है वास्तव में, उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है और इधर उधर आपको शॉपिंग नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक सही जो जहाँ सेंटर है वहां जाके उसका तुरंत बिना समय जाया किए हुए इलाज करना चाहिए। डॉक्टर साहब आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब अगर हम स्क्रीनिंग की बात करें, स्क्रीनिंग की क्या इम्पोर्टेंस है चाइल्डहुड कैंसर में? तो स्क्रीनिंग की, कैंसर स्क्रीनिंग करने की जो सबसे ज़्यादा यूजफुलनेस पाई गई है वो रेटिनोब्लास्टोमा में पाई गई है। यानी अगर किसी को एक आँख में कैंसर पाया गया तो उसकी दूसरी आँख की स्क्रीनिंग आप करते रहते हैं टिल जब तक बच्चा 6 साल का नहीं होता। अच्छा। या हम उसमें ब्लड में या ट्यूमर में चेंजेस देख सकते हैं कि ये हेरिडिटरी है या नहीं है जी। यदि हेरिडिटरी नहीं है तो इतनी फ्रीक्वेंट स्क्रीनिंग की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसी में हमारे समय लगभग समाप्त हो चुका है। कम शब्दों में डॉक्टर साहब अगर हम अपना मैसेज भी एक इसमें ऐड करें। मैसेज से पहले मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, एक छोटा सा एक सवाल मेरा भी रहेगा यहाँ पे कि आपने कहा था कि आपसे जब हम लोग बात कर रहे थे तो एक कैंसर सर्वाइवर की बात आई थी, तो और इसके ऊपर आपके सेंटर में काफी काम चल रहा है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं और किस तरह से आप उनको हेल्प करते हैं। बहुत ही एक मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा इसको इसी को मैसेज के तौर पर आप हमें बताएं। पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा एक मैसेज में कि चाइल्डहुड कैंसर ज्यादातर 70-75% चाइल्डहुड कैंसर क्योर हो जाते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है डॉक्टर। तो अगर क्योर हो जाते हैं 70-75% पेशेंट्स, तो यानी आपके 70-75% जो मरीज हैं वो कैंसर सर्वाइवर बन रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर, राइट। और कैंसर सर्वाइवर बन रहे हैं तो हमारी उम्मीद है और होना भी यही चाहिए कि वो बिल्कुल नॉर्मल सिटीजंस की तरह रहें, नॉर्मल पढ़ें, नॉर्मल कॉलेज जाएं, नॉर्मल नौकरी करें और नॉर्मल जो प्रोफेशन चाहते हैं वो करें, और ऐसा ही होना चाहिए। बहुत इनकरेजिंग मैसेज है डॉक्टर साहब आपका, और आपका भी मैसेज चलना चाहेंगे डॉक्टर साहब। मेरा मैसेज है कि ब्रेन और स्पाइन के जो ट्यूमर्स होते हैं वो काफी अर्ली स्टेज में हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। 60-70% ऑफ जो ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं बच्चों में ये ट्रीटेबल होती है, इसीलिए अर्ली डिटेक्शन एंड कंसल्टेशन विद द प्रॉपर एक्सपर्ट बहुत ही जरूरी है कि इसको हम अच्छी तरह ट्रीट करें। दो चीजें डॉक्टर साहब ने एकदम क्लियर की है कि अर्ली डिटेक्शन, समय पे डॉक्टर से संपर्क करना और सही डॉक्टर से मिलना, ये बेहद जरूरी है अगर आप अपने बच्चे की जिंदगी को सही से टाइम पे ठीक करना चाहते हैं। बिल्कुल डॉक्टर भटनागर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि किसी भी कंडीशन में बच्चे को आप अपनी मर्जी से, अपने या किसी रिश्तेदार के कहने से कोई भी दवा किसी भी हिसाब से ना दें, चाहे वो दवा आयुर्वेदिक है, चाहे यूनानी है, चाहे एलोपैथिक है। आप प्रॉपर डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, और अगर यूनानी दवा आपको देना चाहते हैं आप या आयुर्वेद देना चाहते हैं तो उसमें भी
प्रॉपर यूनानी कंसल्टेंट या आयुर्वेद कंसल्टेंट से, फिजिशियन से आप सलाह जरूर लें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो हमारे आज माहिरीन ने हमें हिदायतें दी हैं, तो एक बार उनका एक छोटा सा समअप कर लेते हैं। तो डॉक्टर ने हमें बताया कि जो कैंसर है वो 70-75% जो कैंसर है वो क्योर हो सकते हैं, और जो एक कैंसर सर्वाइवर है वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है, उसका पूरा हक है, तो किसी तरह की डरने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर सरत ने हमें कहा कि अर्ली स्टेज पर हमें डिटेक्शन कर लेना चाहिए, तो उसके लिए ये बेहद ज़रूरी है कि हमारा जो कंसल्टेशन है वो एक प्रॉपर एक्सपर्ट से हो। और डॉक्टर भटनागर ने हमें कहा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अपने बच्चे को कोई भी दवाइयाँ देने से पहले बिना किसी एक्सपर्ट, बिना किसी डॉक्टर की सलाह के मत दीजिएगा, समय जाया नहीं करना है बिल्कुल किसी भी तरीके से। तो आप सभी का बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया आज हमारे स्टूडियो में आके आए और इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। चाइल्डहुड पे आपने, चाइल्डहुड कैंसर पे हमें बहुत सारी चीजें हमें बताई, और मुझे हमें लगता है कि हमारे जो व्यूवर्स जिन्होंने सुना है, जो जो एक डर था उनके अंदर, वो काफी हद तक खौफ आपने दूर कर दिया है। पॉजिटिविटी के साथ हमने प्रोग्राम खत्म कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है नाजरीन कि हमारी आज की पेशकश आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई राय हो तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hellodoctordduurdu@gmail.com। इसके अलावा आप हमारे YouTube चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारे YouTube चैनल है डीडी उर्दू जी। और अब अपनी मेजबान रतिका मेहरा और आदित्य कुमार को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू पर। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, और आपको छोड़े जाते हैं टिप ऑफ द वीक के साथ। आदाब। कैंसर आज भी एक मोहलिक बीमारी समझी जाती है। ये बीमारी बच्चों और बड़ों किसी को भी लाहक हो सकती है। अगर वक्त पर पता चल जाए तो कैंसर का इलाज मुमकिन है। अक्सर स्क्रीनिंग से बच्चों में कैंसर का पता नहीं चल पाता। ज्यादा दिन तक बुखार, सर में शदीद और लगातार दर्द, वजन में कमी, जिस्म के किसी भी हिस्से में गांठ को नजरअंदाज ना करें। बच्चों में छोटी उम्र से ही अच्छी आदतें पैदा करें। उन्हें साफ सफाई और अच्छी ग़िज़ा की अहमियत समझाएं। गुटखा, सिगरेट, तंबाकू के नुकसानात से उन्हें आगाह करें। बच्चों को खेलकूद और वर्जिश की जानिब भी रागब करें।